हेलो पेरेंट्स, मेरे लाइव सेशन में मुझसे एक पेरेंट ने पूछा था कि मैम, मैं अपने बच्चे की ग्रामर इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? मैं चाहती हूँ वो अच्छे से इंग्लिश में बोले, अच्छे से कम्युनिकेट करे, तो मैं उसके लिए क्या अच्छे तरीके से कर सकती हूँ? तो आप प्लीज़ मेरी इन टिप्स को सुने और इसे फॉलो करें। सबसे पहले तो देखिए कि आपके बच्चे का एज ग्रुप क्या है। अगर आपका बच्चा छोटा है, इन्फेंट है, और आप चाहती हैं कि वो अभी से ग्रामर करने लगे या अच्छे से इंग्लिश का एक बेस बनाना चाह रही हैं, देन ट्राई टू टॉक टू देम। स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स लाइक द कलर्स, द टॉयज, द एडजेक्टिव्स। आप बहुत सुंदर हैं, वेरी गुड, यू आर डूइंग इट रियली वेल। स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल वर्ड्स एंड देन ग्रास्प टू अ बिगर सेंटेंसेस। अगर आप शुरू से ही उनसे हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे या बेसिक हिंदी ज़्यादा यूज करेंगे, तो फिर वो इंग्लिश का बेस नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट इज सेट अ डेली रूटीन। डेली आप कोशिश करें कि जो वो गेम खेलते हैं उसमें उनसे थोड़ा सा बात कर सकें। कई मदर शुरू से ही रोटी बोलती हैं, कई लोग मदर शुरू से ही चपाती बोलती हैं। वो वर्ड सेंस है, जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे बच्चा उसी को ग्रास्प करेगा। फिर देखिए कि आपके बच्चे का एज, अगर टीनेज है तो आप उनको किसी इंग्लिश क्लासेस में डाल सकती हैं। अगर आपका बच्चा टॉडलर है तो आप क्या टिप्स अप्लाई कर सकती हैं? अगर आपका बच्चा टॉडलर है तो एक डेली रूटीन सेट करें। आजकल तो बहुत ईजी है कि आप घर से बाहर भी हैं या कहीं भी हैं, तो एक मूवी यूट्यूब पर कोई भी नॉर्मल हिंदी इंग्लिश वीडियोस लगा सकती हैं, टीवी पे कोई डीवीडीज लगा सकती हैं, कोई पोएम, कोई मैगजीन, कुछ सेट अ रूटीन टू रीड एटलीस्ट वन पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश, एक्सेप्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। जो टेक्स्ट बुक में चल रहा है उसे इंक्लूड नहीं करेंगी आप। जो नॉर्मल कुछ डिफरेंट है उसे कर सकती हैं, डीवीडीज या म्यूजिक सिस्टम्स या इसके थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज यू कैन इंडल्ज योर किड इन गेम्स। इट्स लाइक अ वेरी इजी गेम, आई टेल यू। आप रोज जिस समय एक साथ बैठते हैं, कोई टी रूटीन है या कैसे, उस समय आप अपने बच्चे को बता सकती हैं कि कल बेटा मैं आपसे घर के किसी भी आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ पेन और अ टेबल, उस पर हम 1 मिनट जैम सेशन करेंगे। जैम सेशन इज जस्ट सेइंग फॉर अ मिनट, इट्स लाइक हाउस टेबल, ये ब्राउन कलर का है, या जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं उसको आपने इंग्लिश में इन्वॉल्व करना है। सो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश ओवर द स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स एट द होम टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की भी अच्छी नहीं है या बच्चा एकदम से नहीं कर सकता, देन टेक अ पेपर एंड पेन एंड राइट इट। इट्स ईजी टू राइट रादर देन एक्सप्रेसिंग। सो वंस दे स्टार्ट राइटिंग इट रियली वेल, दे विल कम्युनिकेट इट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लिख लिया आप उसको रीड कर लीजिए, बेटा पहले लिख लो और उसके बाद रीड करो, ओके? इट विल just take 10 minutes. If you'll spend 15 minutes in a day just for improving any language, it is more than enough. Don't worry ki sara din hi use usko us language mein bolna hai. Moreover, best therapy is the talk therapy. Talk to them. Ye mat socho ki main galat bol rahi hu aur wo seekh gaya. Just keep on talking. Wo ek bar galat bolega, do bar galat bolega, aap nahi improve kar sakte, koi baat nahi, uske friends, uski teacher improve karenge. Dheere dheere he'll improve. You can also narrate some stories. कोई भी English books आती हैं, story books आती हैं, उसे English में narrate करें। और उनका result बताने से पहले उन्हें बोलें कि मुझे बोल के बताओ इसका result क्या हो सकता है, राजा को end में क्या मिला होगा। Tell them to come to the conclusion in English, okay? Next is you can listen some English songs. आजकल तो Bollywood songs में भी बहुत ज़्यादा English phrases आते हैं। Let them learn and repeat. Let them sing some raps or anything which comes in the Bollywood song or the English songs you like. Sometimes the parents need to do some efforts to let their kids learn new languages. The most important thing I want to tell you is build confidence in your kid. If you are for learning any language, it is very much important to have the confidence. अगर आपका बच्चा गलत भी बोल रहा है ना, थोड़ी सी mistake भी कर रहा है, लेकिन वो confident है कि मेरी मामा कहती है मैं English बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो वो बहुत जल्दी learn करने लगी। Also develop that confidence in kids कि बेटा you can speak very well in English. He will speak it. वो थोड़ा सा ठुकर रहेगा लेकिन वो सीखने लग जाएगा, वो बहुत अच्छे से grasp करने लगेगा। Schools आपको शुरू से English बोलना नहीं सिखाते, वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रेज कर लेते हैं कि आपको बात भी टीचर से इंग्लिश में करनी है, आपको अपने कलीग से भी इंग्लिश में बात करनी है, कि वो गलत भी कर रहे हैं ना, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस आने लगता है, मैं तो स्कूल में इंग्लिश में बात करता हूँ। दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी मच नेसेसरी टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ, इधर इट्स अ लैंग्वेज और एन एक्टिविटी। सो बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन योर किड फर्स्ट, स्पेंड सम टाइम एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे फॉर द इंग्लिश लर्निंग, एंड लेटर ऑन थिंग्स विल come into the places very well. Okay, stay connected and you can tell me more videos to talk or more topics to talk about in the comment section below. Thank you so much and stay connected to MyFitPre.